बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पराठा बनाएंगे, उसके लिए एक अदद हमें अंडा चाहिए। उसमें हम सब्जियां डालेंगे, ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं, और एक छोटी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज है, एक छोटा कटा हुआ बारीक टमाटर है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे, 1/3 के करीब, फिर इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एक अंडे में हमारा 2 पराठा बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। ये बैटर हमारा रेडी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन को हम गर्म करेंगे, चारों तरफ अच्छे से ऑयल को फैलाएंगे, और इस पर बैटर डालेंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे करके फैला लेंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे। दो मिनट के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको पलट देंगे। हम पलट के दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाला नाश्ता है, इसे आप इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा एक पराठा बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।